तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग बिन बघेल खंड। और आपको बता दें कि आज रीवा से अपने बिंद का नाम रोशन कर रहे हमारे बड़े भैया कुलदीप सेन जी आज रीवा में आए हुए हैं और ये बॉल हमारे हाथ पे है। हमने देखा कि इस बॉलों से ही अंतर्राष्ट्रीय मैचों में होता है और शायद यही बॉल मोबाइल बंद कर दिया। बिंद क्षेत्र रीवा का नाम गौरवान्वित करने वाले और बिंद की धरती की महक को देश विदेश तक पहुंचाने वाले बिंद के लाल कुलदीप सेन इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के बाद अपने निज क्षेत्र एपीएस ग्राउंड आए हुए। रीवा के खिलाड़ियों को बॉलिंग की टिप्सें दे रहे हैं। साथ ही कुलदीप सेन से बात करने पर कुलदीप सेन ने बताया कि वह इस समय सोशल मीडिया से काफ़ी दूरी बनाए हुए हैं। साथ ही वह चाहते हैं कि उनका पूरा और पूरा ध्यान केवल और केवल प्रैक्टिस पे रहे। कुलदीप सेन ने रणजी ट्रॉफी के बाद आईपीएल का सफ़र तय किया तो वहीं आईपीएल के बाद टीम इंडिया में चयनित होकर अपने विंद क्षेत्र रीवा का नाम भी गर्व से गौरवान्वित कर दिया। कुलदीप सेन ने बताया कि शुरुआती दौर उनका कठिनाइयों के साथ चला और उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उनका मार्ग खुलता गया। और कहते हैं कि अगर आपकी मेहनत कड़ी और संघर्षशील है तो आपके मार्ग खुलने ही खुलने हैं और इसी की बदौलत उन्हें आज वह इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बात करने पर कुलदीप सेन ने बताया कि जब वह शुरुआती दौर प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो ना उनके पास बल्ला था और ना ही किट की सामग्री, लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी और संघर्ष करते चले गए और हमें गर्व है अपने बिंद के लाल कुलदीप सेन पर। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। ऐसे ही आप सबको आगे भी वीडियो लाते रहेंगे तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द।